स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम हाउस प्लान पे। आज मैं आप लोगों के लिए 20x25 का घर का नक्शा लेके आया हूँ, जिसकी टोटल एरिया 500 स्क्वायर फीट है। तो ये एक लो बजट हाउस प्लान है, तो बने रहिए इस वीडियो पे, तभी समझ में आएगा कि ये कैसे एक लो बजट हाउस प्लान है। तो ये प्लान को समझते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो आपका 20 फीट जो है आपका ऐसे है और 25 फीट जो है आपको ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ से जो है आपका मेन डोर दिया गया है, मेन डोर से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाएगा, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम हो जाएगा। और यहाँ पे सोफ़ा सेट लगाया गया है आइडिया के लिए आपको, और ये यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड किया गया है ड्राइंग रूम में ही। और जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेयर मिल जाएगा, ऐसे क्लॉक वाइज स्टेयर मिल जाएगा। और यहाँ पे एक किचन बनाया गया है, एक किचन का चूल्हा है और ये बेसिन बना दिया गया है। ये जो है आपका किचन का विंडो हो जाएगा दोनों तरफ से। और आप जैसे ही पीछे बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाएगा और एक जो है छोटा बेडरूम मिल जाएगा इधर, जिसमें कि इसी में जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ का अरेंज किया गया है। और ये जो है रूम के दरवाजे हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका साइज़। तो सबसे पहले मेन डोर का साइज़ देखते हैं। तो मेन डोर हमारा रहेगा 4 फीट चौड़ा रहेगा पूरा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। 4 फीट चौड़ा आपका मेन डोर रहेगा। और यहाँ पे जो है स्टेयर दिया गया है, क्योंकि मकान जो है कुछ हाइट पे है इसलिए। अब हम देखेंगे ड्राइंग रूम का साइज़। तो ये रहेगा आपका 9 फीट 5 इंची आपका चौड़ा रहेगा ऐसे। और आपका रहेगा 11 फीट 10 इंची ऐसे वाइड मिल जाएगा, मतलब गहराई ऐसे 11 फीट 10 इंची मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा, मतलब बेस्ट साइज है ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, किचन का साइज़ देख लेते हैं पहले। तो किचन जो है चूल्हा है हमारा, तो इसका साइज़ हो जाएगा 9 फीट 5 इंची आपको ऐसे मिल जाएगा वाइड में। और 5 फीट 5 इंच जो है आपको ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो डोर है वो लगा दीजिएगा आप, 3 फीट का डोर लगा सकते हैं। और स्टेयर जो है थोड़ा मैंने एक स्टेयर आगे बढ़ा दिया इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैंने स्टेयर जो है 3 फीट चौड़ा लिया है ऐसे, इधर भी आपका 3 फीट रहेगा चौड़ा। और ये जो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की है वो रहेगा 6 फीट रखा गया है। 6 फीट में जो है आपको यहाँ पे एक छोटा सा बनाया गया है, इसमें 6 फीट ही है, इसमें बस देखने में थोड़ा वो लग रहा है लेकिन 6 फीट ही है टोटल। 6 फीट में यहाँ पर भी मतलब स्टेयर ऐसे जो है काट के बनाया गया है। इधर जो है आपका 3 फीट का डोर इधर भी हो जाएगा, ये भी आपका 3 फीट का डोर हो जाएगा। अब हम आते हैं इस बेडरूम का साइज़ देख लेते हैं। ये आपका रहेगा 9 फीट 5 इंची का ये डोर रहेगा, और 11 फीट 10 इंची का जो है 11 फीट 10 इंची का आपका ये वाला बेडरूम हो जाएगा, काफ़ी बड़ा है। अब हम देखेंगे इस वाले बेडरूम का साइज़। तो ये जो है थोड़ा देखने में आपको अजीब लगेगा लेकिन आप समझ जाइएगा कैसे है ये। 9 फीट 5 इंच ऐसे मिल रहा है, और 8 फीट जो है आपको 8 फीट ऐसे मिलेगा, 8 फीट आपको यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें जो है कॉमन टॉयलेट और बाथ जो है बना दिया गया, इसलिए बेडरूम जो है छोटा हो गया है। तो हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा 3 फीट 5 इंची चौड़ा रहेगा, और रहेगा आपका 6 फीट गहरा रहेगा, 6 फीट बाई 3 फीट 5 इंच का जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसमें जो है कितने कॉलम हैं। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो है इसमें 9 कॉलम हैं। इसमें जो है टोटल 9 कॉलम है। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है 4 लाख आएगा। तो कैसे 4 लाख आएगा, इस पहले तो इसमें जो है 9 कॉलम हैं और इसके सारे दीवार जो हैं 5 इंच के रहेंगे। अगर आप इस प्लान को तरीके से बनवाएं तो ये प्लान जो है 4 लाख में बन जाएगा। तो कैसा लगा प्लान कमेंट में बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम हाउस प्लान को सब्सक्राइब करिए।